मॉर्निंग बच्चों, यूनिट 3 का ये लास्ट टॉपिक है आईएसओ। आईएसओ मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बोलते हैं हमें को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन 14000 सीरीज। इसको हम डिस्कस करेंगे आज। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आईएसओ 14000 सीरीज के, एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईएसओ 14001 टू 2004 स्टैंडर्ड्स, एंड बेनिफिट्स ऑफ आईएसओ 14000 सर्टिफिकेशन। इस सबको हम आज डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज द आईएसओ 14000 सीरीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आईएसओ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, या हम स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बोलते हैं कॉमनली। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो सर्टिफाइड होते हैं। आईएसओ इज ए कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस एनवायरमेंटल इश्यूज। तो आईएसओ इज द कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एड्रेसेस एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एनवायरमेंटल इश्यूज को किस तरह सॉर्ट आउट करती है और उसके स्टैंडर्ड्स बनाते हैं उसके बारे में। 1996 में फर्स्ट टाइम ये एस्टेब्लिश हुआ था, आईएसओ 14001 सीरीज द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ईएमएस इसको बोलते हैं, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स और आईएसओ 14001, जो 14001 सीरीज है, 14001 सीरीज है, वो हम ईएमएस यानी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कंसीडर करते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमने यहाँ पे तीन चार पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिए हैं। टू गिव ए स्टैंडर्डाइज्ड एंड प्रूवन फ्रेमवर्क दैट कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप एन इफेक्टिव एनवायरमेंटल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं और सेट्स आउट द क्राइटेरिया फॉर एन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड कैन बी सर्टिफाइड टू। इट्स मैप्स आउट ए फ्रेमवर्क दैट ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन कैन फॉलो। कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उस फ्रेमवर्क बनाते हैं कि उसको ये फॉलो करना है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स एस्पेक्ट इफेक्ट्स किस तरह फॉलो करने हैं। सेटअप एन इफेक्टिव एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, उसको किस तरह फॉलो करना है। डिजाइन फॉर एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ इट्स एक्टिविटी और सेक्टर, इट कैन प्रोवाइड एश्योरेंस टू कंपनी मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज एज वेल एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इज बींग मेजर्ड एंड इम्प्रूव। जो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हम देखेंगे, जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन खोलेंगे, तो उसमें वो सारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होंगे, मेजर्ड होंगे, मॉनिटर्ड होंगे, उसको इम्प्रूव होंगे, उसके बाद ही वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ सर्टिफाइड होगी। आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए देखो मेन क्या होता है कि 14000 सीरीज में हम देखते हैं तीन टाइप का स्टैंडर्ड्स है। इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स को हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो ईएमएस, ईएमएस का मतलब है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड एनवायरमेंटल ऑडिटिंग एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। देखो यहाँ पर हमने तीन में इसको डिवाइड कर दिया। एक तो ईएमएस एंड सेकेंड वन एनवायरमेंटल ऑडिटिंग एंड थर्ड वन इज द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इवेल्यूशन। ठीक है, तीन में ऑर्गेनाइजेशन इवेल्यूशन स्टैंडर्ड्स को हमने तीन में डिवाइड किया। तो फर्स्ट ईएमएस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में 14001, 14001 क्या शो कर रहा है, स्पेसिफिकेशन टू कंट्रोल द स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करता है गाइडलाइंस। सेकेंड 14004 जो है दैट 14 जनरल गाइडलाइंस बनाता है इसको। 14004 प्रिपेयर देयर गाइडलाइंस एंड एनवायरमेंटल ऑडिटिंग में कौन कौन सा करता है, 14001 करते हैं, 14011 ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं, 14012 ऑडिट क्राइटेरिया करता है, एंड 14013 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को शो करता है, 14031। ये हमने कुछ ही लिए हैं, अभी लास्ट से एक और स्लाइड में हम इसको और लेंगे। तो ये मेन हमें आईएसओ सर्टिफाइड अगर देते हैं तो आईएसओ 14001
2001 टू 2004 सर्टिफाइड, इस तरह एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का सर्टिफाइड इस तरह देते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का ये साइन बना होता है ISO 14001 EMS, इस तरह के साइंस होते हैं ये। रिक्वायरमेंट्स ऑफ ISO 14001 2004 स्टैंडर्ड, द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द EMS कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के कोऑर्डिनेशन के लिए जो भी हम अपॉइंटमेंट करेंगे पर्सन का, तो उसको हमें कंसीडर करना है कि वो पर्सन एलिजिबल दिस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है कि नहीं, ठीक है, वो अपना कुछ भी इन्होंने फैक्टर्स बनाए होंगे उसको हम चेक करेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट, किस तरह ऑर्गेनाइजेशन उसको एनवायरमेंट को इंटरेक्ट करती है, एनवायरमेंटल फैक्टर को कंसिडर करती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग द प्रोग्रेस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एनवायरमेंटल पॉलिसी, डेवलपमेंट ऑफ स्टेटमेंट कमिटेड टू द एनवायरमेंट, कि जो भी एनवायरमेंट के वो हैं उसको हमें कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सभी फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन सभी रिक्वायरमेंट्स को मेजर करके ही हम कोई स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या टारगेट्स हैं, सेटिंग ऑफ शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल को फुल कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, या लॉन्ग टर्म को फुलफिल कर रहा है, प्लान टू अचीव देम और उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस एंड कॉम्पिटेंस, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग अबाउट द प्रोग्राम टू द एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज को प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं सो दैट दे कैन बिकम कॉम्पिटेंट टू इम्प्लीमेंट इट, और वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने एनवायरमेंट को, इम्पैक्ट को जोड़ रहा है। EMS डॉक्यूमेंटेशन, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन, यानी पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, जैसे कि मेंटेनिंग रिटेन एविडेंसेस और ऑब्जेक्टिव्स, जो भी रिटेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए, प्रोसीजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्स्ट्रा, रिकॉर्ड कीप एडिक्वेट रिकॉर्ड्स ऑफ EMS परफॉर्मेंस, EMS परफॉर्मेंस के सारे एडिक्वेट रिकॉर्ड्स होने चाहिए, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग द की एक्टिविटीज टू कीप ए ट्रैक ऑफ परफॉर्मेंस, की मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग द मॉनिटरिंग द की एक्टिविटीज टू कीप ए ट्रैक ऑफ परफॉर्मेंस, ट्रैक ऑफ परफॉर्मेंस की जो भी हमें है सारे ट्रैक वो परफॉर्मेंस के वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, उन्हें एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखने, अचीवमेंट्स देखने, रिकॉर्ड्स बनाने हैं, EMS डॉक्यूमेंटेशन रखना है, ट्रेनिंग प्रॉपर हो रही है, अवेयरनेस है, कॉम्पिटेंस है, ऑब्जेक्टिव एंड टारगेटेड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स है। यहाँ पर मैं 10 पॉइंट्स को कंसिडर किया है, वैसे बुक में 17 पॉइंट्स दिए हुए, तो मेन इंपॉर्टेंट हमने 10 पॉइंट्स को लिया है जो रिक्वायरमेंट ऑफ ISO 14000 सीरीज के स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ISO 14000 द फैमिली ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, देखो इसमें क्या है कि हमने कुछ सीरीज के अलग अलग पॉइंट्स को डिवाइड कर दिया। अब जैसे इंस्ट्रक्शन, इसमें ISO के इंस्ट्रक्शंस की सीरीज है, इसमें ISO का स्टैंडर्ड्स के रिक्वायरमेंट्स की सीरीज है, इसमें स्टैंडर्ड्स के टेक्निक्स की सीरीज है। तो ISO 14004 ISO 14004 क्या है, एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन, यानी जो भी हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे उसके इंस्ट्रक्शन के बारे में, केस में 14004 ISO गाइड 64 एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन, ISO IR 14061 एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन इन फॉरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट के लिए है, अगर हम कोई प्रोजेक्ट या इंडस्ट्री को नेशनल फॉरेस्ट के हिसाब से लगाते तो हमें ये फॉलो करना पड़ेगा। ISO 14050 टर्मिनोलॉजी, इसमें से डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ISO सर्टिफाइड है उसको हम अकॉर्डिंग ही फॉलो करेंगे। ISO 14001 रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ EMS एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, ISO 14001। नेक्स्ट टेक्निक्स कौन 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 सी हम इसमें ISO 14010 14011 एंड 140112, ये तीनों ही इन्वायरमेंटल फैक्टर को शो करती है, ISO 14020 ISO 14021 एंड 14021, ये भी इन्वायरमेंटल टेक्निक्स को ही शो करेंगी।
ISO 14031, 32, ये भी दोनों इन्वायरमेंटल डायरेक्टरी और उसको शो करेंगी। ISO 14040, ISO 14040, 42 एंड 43, ये सभी लाइफ साइकिल और इन्वायरमेंटल के उसको शो करती हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ ISO 14000 सर्टिफिकेशन? इसका सर्टिफिकेशन का मेन बेनिफिट्स क्या है? रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट एंड प्रोडक्शन दोनों की कॉस्ट को रिड्यूस करता है। सेकंड है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट एफिशिएंसी, मैनेजमेंट एफिशिएंसी को भी ऑप्टिमाइज करके रखते हैं। थर्ड है इंप्रूव्ड एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी भी इससे इंप्रूव्ड रहेगी। स्ट्रीमिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट रहती है। जनरेट अवेयरनेस फॉर एनवायरमेंटल कंसर्न, यानी कि एनवायरमेंटल कंसर्न को अवेयरनेस रहती है और एनवायरमेंटल फैक्टर को कंसिडर करते हैं। ISO सर्टिफाइड का इस तरह की लोगो बनता है और एक सर्टिफिकेट इश्यू कर देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ISO सर्टिफाइड है ISO 14001, जो 2004 इसलिए लगाया है क्योंकि 2004 में मोस्टली एप्लीकेबल हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम इको फ्रेंडली पॉलीमर्स पढ़ाएंगे, जो पॉलीमर्स के बारे में बायो पॉलीमर्स है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, PHA भी वगैरह पढ़ाएंगे। और संडे टू संडे में इसमें क्वेश्चन आंसर्स जो भी हैं लास्ट ईयर के वो डिस्कस करूंगी। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, गुड लक।